हम नशी ओ हम नशी, छूले मेरे दिल की जमीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। डैडी आप बैठो। हसन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, इल्तिजा कर रहा हूँ, फरियाद कर रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। प्लीज उन रिश्तों से मत पुकारो जिनकी धज्जियां बिखर गई हूं। एक बेबस बाप तुम्हारे सामने खड़ा है जिसने अपना जवान बेटा खोया है, बहुत दूर निकल गया है वो। अब वो कभी पलट के नहीं देखेगा, लेकिन एक बेटा अब भी मेरे पास है। मुझ पर रहम खाओ, मेरा हाथी बख्श दो मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? तुम नहीं जानते? तुमने हादी को ड्रग्स के केस में फंसाने की कोशिश की, अपने सगे भाई को एक लड़की की जलन में। तुमने लैब में उस दिन उसे ट्यूब दे मारी, अगर उसकी वेन फट जाती वो मर जाता। उसे तो पता भी नहीं है कि उसका अपना सगा भाई उसकी जान का दुश्मन बन गया है। क्या कह रहे हो तुम? मुझे तुम्हारी माफी नहीं सुननी। आज तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझसे कहो। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? मैं तुम्हें दूंगा मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन बदले में हादी की जिंदगी मुझे बख्श दो। मैं उससे बहुत दूर भेज दूंगा तुमसे। तुम दोनों का कभी आमना सामना भी नहीं होगा। मगर इस तरह हसन, इस तरह हादी की जिंदगी से, उसके फ्यूचर से मत खेलो। प्लीज मत खेलो। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। प्लीज मत खेलो। प्लीज सभी मामा, सभी का मामा आंखें खोलो। मामा उठ गया। क्या हुआ मामा? खोलो मामा, मैं हूं ना, आंख खोलो। सभी का पानी लेकर आओ जाके। अर्षद बाबा आंखें खोलो। बाबा कोई है? बताओ तो सही ना, सब खैर है? तुम मसला क्या है? मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपकी सुन ली। आपके घर छोटा खान आएगा, और खान आएगा तो मैं आपसे सोने की बालियां लूंगी। खान जी सलाम अलैकुम, मुबारक हो। मगर ये कैसे हो सकता है? इमरोज खान ने तो हमें कुछ और बताया। हमको तो खुद समझ नहीं आ रही खान जी के क्या हुआ है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? इमरोज खान, तुम्हारे शादी को 10 साल हो गए, ये तुमने क्या किया है बदबख्त? आप शायद भूल रहे हैं दाजी, आप ही ने मेरे निकाह के वक्त कहा था मैं दुल्हन नहीं बदला लेना चाहूंगा। आप सब मर्द लोग इतनी बड़ी बड़ी बात आसानी से कह देता है। बेटा सुहाग का नेम बदल तो नहीं हो सकता ना दाजी? और आज बता ही दो इनको कि बे औलादी की वजह क्या है। रोज रोज बातों के नश्ते नहीं सुन सकती मैं। लड़की चल जल्दी, मोरे के उठने से पहले घर पहुंचना है, जल्दी कर। इतना कुछ होता रहा,
आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया, क्यों? क्या करता बता के? मैं खुद इतना डिस्टर्ब रहा हूँ, तुम भी परेशान हो जाते। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर हसन ये सब कुछ कर क्यों रहा है? आपको अंदाजा है कुछ? पता नहीं उसका टारगेट वो बच्ची है, हादी है, या फिर दोनों। दुख तो इस बात का है कि हसन भी मेरा बेटा है। एक बेटे को दूसरे बेटे से कैसे बचाऊं मैं? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हार गया हूं मैं, बिल्कुल हार गया हूं उस मामले में। I'm absolutely clueless. I don't understand why this is happening to us. हमने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। We've been honest to our profession. हमारे दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। हमने अपने अकाउंट से पैसे देकर हर किसी की ट्रीटमेंट करवाई है। Never turned anyone away. हमें ये सजा क्यों मिल रही है? सजा नहीं है, परेशानी है। हर परेशानी सजा नहीं होती, अगर हम अच्छे से हैंडल करेंगे खत्म हो जाएगी। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, परेशान मत हो। खजस्ता तो चली जाएगी, लेकिन चल यार, उसके घर वाले अगर आए तो उसे बात मत कीजिएगा। जस्ट अवॉइड देम। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मंजर से हटे तो हादी के दिमाग से निकले, और हादी के दिल को देखूं तो फिर हसन किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकता है। मामा क्या हुआ है? मुझे हॉस्पिटल जाके पता लगा कि आप दोनों लीव पर हैं। Is everything all right? Everything's fine. Are you all right? जी मामा, I'm fine. मैं आपके सामने हूँ। लेकिन हुआ क्या है, मुझे कोई बताए तो सही। अरे कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मामा का बस बीपी थोड़ा लो हो गया था, कोई परेशानी की बात नहीं। What? Are you okay? Okay. You sure? को अगर बात समझ में नहीं आया, लेकिन हमको बात समझ में आ गया। क्या क्या पे तो मैं इस घर का दीवारें हिला दूं। लेकिन ये बताओ, इमरोज खान को पता है? उसका मालूम है? क्या बात है दाजी, क्या मालूम? वही जो खाली दाई ने बताया। हाँ तो इसमें ऐसा दुनिया से हटके क्या है दाजी? हटके तो वो है जो तुमने उससे अपना ताल्लुक बताया था, और वो है जो इन आंखों ने देखा है। उससे पूछो कि वो बैराम खान से क्यों मिलता है और कब से मिलता है। दाजी वो जब बैराम खान से मिलने गई है मुझसे पूछ कर गई है, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी बीवी मेरी इज्जत पर जान दे सकती है। लाजमी नहीं है दाजी कि इस रिश्ते को सारी जिंदगी बदले की आग पर सेक दो। जो किया गुलरेज मामा ने किया, उन्होंने बेटी दे दी, बात खत्म। तो
बात खत्म, बात खत्म। वाह इमरोज, वाह। वो इतने सालों से जो तुम्हारे बदले का आग दिल में जल रहा था, है? वो उस दिन दूसरे निकाह की बात से ठंडा हो गया ऐसे ही। सुन रही हो सफूरा, दिलावर खान के खून ने जो मोहब्बत इतने बरसों सुलाए रखी, वो हमारे एक मशवरे से जाग गया यकदम। बात खत्म हो गई। बात तब खत्म होने होती तो हो जाती, मगर तुमने इस बदले की चिंगारी को हमारे दिल में सुलगाया, उसको हवा दी है, और अब गुलरेस का बेटी पे सोतन ना कर ही बात खत्म होगी। बस मोरे दाजी क्या कह रहे हैं समझाएं, घर में खुशी की खबर आने वाली, ऐसे बदमजगी ना करें। बिला वजह इतनी टेंशन ले रहे हो। प्लीज बी नॉर्मल हसन। व्हाट डू यू मीन प्लीज बी नॉर्मल? कैसे नॉर्मल हो जाऊं मैं? बाप मेरा मेरे सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है, माँ मेरी बेहोश हो जाती, तुम कह रही हो कि मैं नॉर्मल हो जाऊं? वाह। लेकिन आंटी ठीक तो हो चुकी है, सिर्फ बीपी लो हुआ था उनका। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें पता है ना? मेरी वजह से क्यों? क्योंकि तुम्हारी दोस्त अगर तुम्हें मशवरा नहीं देती तो मैं वो चीजें नहीं भिजवाता ना तुम्हें। हमने तुम्हें बोला था आदि का फोन यूज करो, तुमने किया था, तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना तुम कोई पब्लिक फोन भी यूज कर सकते। अरे यार, मैंने हादी का फोन इसलिए यूज किया था ताकि वो वार्डन उस पहाड़न को वो नंबर दिखाए और उसके सर से हादी का भूत उतरे। सब उल्टा हो गया। हसन तुम जितने छोटे हो ना, तुम्हारा दिमाग उससे भी ज्यादा छोटा है। और तुम बार बार मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से हुआ है? तुम खुद भी उससे बदला लेना चाहते थे, वरना तुम इतने अच्छे नहीं हो। ये टोनना मैं अपने बाप की भी बर्दाश्त नहीं करता। चलो निकलो यहां से, उठो। आई एम सो सॉरी। वाओ, आई एम सो सॉरी। आई एम सॉरी। तुम मेरे भाई नहीं हो क्या? अंकल को तुम्हारे बारे में भले ही पता लग चुका हो, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, और हादी को भी वो बचा लेंगे। लेकिन प्लीज प्लीज तुम मेरा नाम मत लेना। हसन प्लीज इधर देखो, प्लीज। तुम पे बात आ रही है, तुम मिन्नतें कर रही हो, नाम नहीं लो तुम्हारा। समझ भी रही हो किस पोजीशन पे खड़ा हूं मैं? बाप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं अपनी। वो ठीक हो जाएंगे, बस कुछ दिन की बात है। और अभी तो जो रुबाब और अलीना ने प्लान किया था वो तो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे था। शुक्र है हम लोगों ने वो नहीं किया, वरना पता नहीं क्या होता।
करना तो वही चाहिए था वैसे, ताकि उस पहाड़ उनकी अकल ठिकाने आ जाती। महल में आने के सपने देख रही है ना वो, दिखाने पड़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है खान, सैफ खानदान इतनी बेगैरती नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते? सैफ खान ने इस काम के लिए बैरून मुल्क से बहुत बड़ा रकम लिया है, और तुम लोग देख लेना, चंद सालों में अगर गांव का आबादी आधे से कम न रह गया तो बैराम खान का नाम बदल देना। इसीलिए सड़क बनवाई गई है खान, ताकि शहर से गाड़ी और एम्बुलेंस आ सके। अब तो अस्पताल बनने लगा है। हम सब अब तक जान का बाजी लगा देगा, लेकिन अस्पताल का एक ईंट भी नहीं लगने देगा। क्यों काका? बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम सब तुम्हारे साथ है। ये चीज सब खान, अभी हम देखते हैं तुम अस्पताल कैसे बनाता है, तुम्हारा सियासत कैसे चमकता है। बैराम खान के होते ये नहीं हो सकता। समझती क्या हो? हाँ, लगता है चंद ग्रेड्स ला के मेरे फादर को मुतासर कर लोगी, मेरी माँ की जगह लेना चाहती हो। पहले तुम्हारी बातों पर गुस्सा आता था, पर अब तुम्हारी दिमागी हालत पर अफसोस होता है। अल्लाह तुम्हारे इलाज का सबब करे। ये तो वक्त ही बताएगा ना कि कौन किसकी हालत पर अफसोस करेगा। तुम ना मुझे जानती नहीं हो, हसन नाम है मेरा, और अगर मैं किसी के पीछे पड़ जाऊं ना तो कब्र तक पहुंचा के आता हूं। खजर साहब, आप क्लास के जीआर है ना, तो क्या आपको आइडिया नहीं है कि आपका एक क्लास का लो चार दिन से नहीं आया? आप शायद आसान की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल, जिसकी पूरी कॉलेज के सामने आपने इज्जत अफसाई करके अपनी वाह-वाह करवाने की कोशिश की थी। आप मुझसे बड़ी है और सीनियर भी, इसीलिए मैं आपकी इज्जत करती हूँ, वरना आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम भी कोई नन्ही चुन्नी नहीं हो, तुम्हारे इलाके के लोगों को मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। 10-10 साल की उम्र में जाके स्कूल की शक्ल देखते हैं वो। याद है थप्पड़ मारा था तुमने मुझे? कोई बात नहीं, अभी सारे हिसाब चुकता होंगे तुमसे। तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। बदतमीजी तो मैं भी करूंगा। तो आगे से बढ़ना, मैं बढ़ना क्या करोगी? क्या शोर मचाओगी? मचाओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बदनामी होगी ना। मैं तो वैसे भी बदनाम। रुको रुको, बैठो, बात करनी है तुमसे। बहराम खान से मिलने कब गई थी? चंद दिन पहले। क्यों? अल्लाह की कसम कान। कसम मत कहो, मुझे तुम्हारी बात पर भी यकीन आ जाए। तो पर पूछ क्यों रहे हो?
मुझसे अब रोज रोज बहराम खान की ये शैतानियां बढ़ते जुरत अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर अब उसने तुम्हें कुछ बोला या तुम पर हमला करने की कोशिश की तो मैं उसके पूरे खानदान को कब्रिस्तान पहुंचा कर आऊंगी। सोच लो, उसका खानदान तुम्हारे बाप का खानदान है, वही खून दौड़ रहा है तुम्हारी रगों में। तुम भी तो उसी खून में तैर रहे हो। माफ कर दो, गुस्से में बहुत ज्यादती कर गया तुम्हारे साथ, बड़ी गलती हुई। नहीं खान, कभी माफ नहीं करूंगी, मरकर भी माफ नहीं करूंगी। मेरे जिंदगी के इतने साल तुम्हारे गुस्से ने बर्बाद कर दिए, वरना आज मेरे भी औलाद होती और दादी कभी भी तुम्हारे दूसरे निकाह की बात नहीं करते। अच्छा आराम से उठो, पानी पियो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है मेरी तबीयत, हम औरतें बड़ी डीट होती है, तो बस जचाने के लिए बस ड्रामे करती है। जाओ जाकर अपने दादी की बात सुनो ना, अगर मकसद गुलरेज खान को तकलीफ पहुंचाना है ना तो फिर उसकी बेटी क्यों, उसकी बहन पर भी सौतन ला के बिठा दो। बल्कि ऐसा करो गुलरेज खान की बीवी को तलाक दिलवा के ना दादी से को उससे निकाह पढ़वा ले, ताकि उसके घर की सारी औरतें अपना माथा पटक पटक कर रोए और तुम लोगों का बदला पूरा हो जाए। लो तुम्हारी बहन का फोन आ गया, इससे भी पूछ लो कि बाप के बदले में किस किस का सुहाग चाहती है। अच्छा लड़की कभी जान नहीं छोड़ेगी। हाँ बच्चे, खैरियत से फोन किए? शुक्र अल्लाह, खैरियत से ही फोन किया था। वो मैंने पूछना था, आप कल मुझे लेने आओगे ना? हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं ना भी आया तो किसी और को भेज दूंगा। किसी को क्यों, आप खुद क्यों नहीं आओगे? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, शांति की तबीयत ठीक, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं आ जाता हूँ, मसला कोई नहीं। नहीं नहीं, आप रहने दो, आप जिसको मर्जी हो उसको भेज देना, कोई बात नहीं है। आप ख्याल रखो, मेरा सलाम देना बाबी को भी और सबको। सलाम अलैकुम। ये क्या किया तुमने, क्या जरूरत थी ये कहने की कि जिसको मर्जी आए भेज देना? खजिस्ता, अपने भाई को बुलाओ ना यार, उनसे कहो कि वो खुद आए, वो मुझे समझदार लगते हैं, वो आके मामला संभाल लेंगे, और तुम वार्डन को तो जान ही गई हो। भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इसरार करना अच्छा नहीं लगा। इस वक्त दूसरों का नहीं अपने बारे में सोचो खजिस्ता, अपना अच्छा सोचो। पता नहीं क्यों, और ऐसा भी लग रहा है ना, ऐसे कभी लगा नहीं है, अजीब से डर लग रहा है मुझे, जिंदगी में कभी नहीं डरा, कभी नहीं रुका, अब डर लग रहा है। अच्छा देखो, हम एक काम करते, हम डॉक्टर हादी से कहते, डॉक्टर हादी से कहो कि वो डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर सबीका से कहकर वार्डन से बात कर ले, इतनी ताल्लुक आते हैं यार उनके, हजिस्ता तुम्हारी क्लियरेंस तो करवा ही देंगे। हाँ मगर अभी तो नहीं करूंगी ना, सुबह बात करूंगी ना, इस वक्त तो अच्छा भी नहीं लगता बात करना, शायद कोई हल निकल आए। इंशाल्लाह।
वो खुदाया मोरे इतनी खुशी की खबर है और तुम इतने गमगीन चेहरे से हमको सुना रहे हो, क्या हो गया? कोई मिठाई मिठाई खिलाओ। बात तो खुशी का है, अगर तुम्हारा दाजी कुछ ज्यादा खुश नहीं। क्यों, दाजी को तो कब से इंतजार था, अब क्या हुआ? मरा होना क्या है, तुम्हारा दाजी अमरोज का दूसरा निकाह चाहता है और तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम जरा सुधर के रहो, उनका मिजाज कुछ अच्छा नहीं है आजकल। मैं क्या सुधर जाऊं, मैं पहले क्या कोई बदमाशी करता फिर रहा हूं? सुधर जाओ, हर कोई मुझको ही बोलता है। और वैसे भी अगर अमरोज लाला को दूसरा निकाह नहीं करना तो दाजी जबरदस्ती क्यों कर रहा है? गुलरेज को तकलीफ देने के वास्ते। अच्छा सुनो, ये तुम अस्पताल का काम कुछ वक्त के लिए रोक नहीं सकता? क्यों, दाजी ने कुछ कहा? बताया तो है तुम्हें कि तुम्हारे दाजी का मिजाज अच्छा नहीं है, दूसरे मामले पहले ठीक हो जाने दो वरना सारे का सारा गुस्सा तुम पे निकलेगा। ये ना करो, वो ना करो, बुरे काम ना करो, अच्छा काम भी ना करो, सब काम छोड़ दो। मैं दूसरों के कहने पे नाच नहीं सकता, मेरी कोई मर्जी नहीं है, कमाल है। अच्छा छोड़ो, कल खजस्ता को लेने जाना, तुम जा सकते हो? हाँ, जाऊंगा। उसने कहा है? क्या खजस्ते ने कहा था तुमसे? तुम्हारी बात कब हुई उससे? दिल में बोला है मोरे, दिल में, मेरे दिल में झांक के देखो फिर मालूम होगा तुमको। ये फ्रूट खाओ। दिल का बातों का इजहार करते देर नहीं लगाते बच्चे, वरना दिल इंतजार करता करता बुझ जाता है। और ये देखो मेरे पास कौन सा जोड़ा स्त्री की है, शादी पे जा रहा हूं या किसी सोप पे, काले रंग का जोड़ा, कमाल है। मुझे तो लगा कि तुम समझदार हो गए, ये रंग तुम पर कितना जचता है तुम्हें पता होगा। मगर ठीक है, अगर तुमने कुछ और पहनना है तो वो बता दो, तुम्हारी पसंद का कुछ इस्तरी कर देते हैं। से तुम्हारा सूरत देख लिया, तुम खुद को दरवाजा या दीवार क्यों समझते हो? जब देखो उनके सामने खड़े हो जाते, हटो मेरे रास्ते से। नहीं हटूंगा, दरवाजा या दीवार नहीं, किला समझता हूँ खुद को, मजबूत किला जिसमें मुझे तुम्हें काबू करना आता है। अच्छा, ऐसे तो मकड़ी का जाला लगते हो जो यूं पल में टूट कर गिर जाएगा। सूरत इतनी प्यारी लेकिन अंदर से कड़वा करेला, तुम मुझसे तमीज से बात किया करो वरना क्या करोगे तुम? हाँ, वजू के बगैर कभी मुंह भी धोया तुमने? तुमसे ज्यादा साफ सुथरा तो शेर काका है।
कहाँ जा रही है तुम लोग? मैम आप जानते हैं कि आज हमारी कॉन्वोकेशन है। हाँ मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम उधर से घर चली जाओगी, इस तरह हॉस्टल की क्लियरेंस नहीं होगी। उसके लिए तुम्हें किसी अपने फैमिली मेंबर को मेरे पास भेजना लाजमी है, समझी तुम? जी समझ गए, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, ठहरो, तलाशी दो, बैग दिखाओ, अपना बैग दिखाओ। एक्सक्यूज मी, आपको सर शहरयार ने अपनी खुद गारंटी दी थी, फिर भी आपका वही रवैया है, कोई हद होती है मैम। गारंटी दे के ना वो एक जानिब हो गए, अगर फिर कुछ निकल आया तो मसला मुझे होगा, जॉब मेरी जाएगी, तुम लोगों की वजह से मैं अपनी नौकरी तो हाथ से धोने से नहीं। हाँ आप ये सब कुछ आराम से भी कर सकती थी, आप इस तरीके से क्यों ट्रीट कर रही हैं मुझे? तुमने जो शानदार कारनामा अंजाम दिया है उसके लिए मैं तुमसे आराम से बात करूं, तुम्हें फूलों के हार पहनाऊं? हाँ जो मुझे मुखबरी कर सकता है वो कहीं और भी कर सकता है। मैं कैसे मान लूं कि आपको मुखबरी कहीं बाहर से हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ही सीनियर्स के साथ मिली हो, मुझे और इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। अगर मैंने यही सब कुछ करना होता तो 5 साल में पहले क्यों नहीं पकड़ी गई, उसी दिन क्यों पकड़ी गई जिस दिन मेरा रिजल्ट है? ओ बीबी तमीज से बात करो, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, सबूत है मेरे पास, सबूत। जिस नंबर से फोन आया था ना वो है मेरे पास, दिखाओ, ये लो। और तुम मुझे क्या कह रही हो सकता है तुम्हारी कोई दोस्त तुम्हें खुद बसाना चाह रही हो? चलो forget it. जो सीनियर्स हैं उनका पता नहीं चल रहा, और जो लड़के वो बेच देने आए थे उनकी शक्लें भी वाज़े नहीं हैं, उनका भी नहीं पता। पर वार्डन, वार्डन को कैसे पता था? ऐलान तो नहीं हुआ ना इससे पहले कभी इस तरीके की कोई तलाशी हुई, फिर उसी वक्त पर वो कैसे आ गए वहां पर? क्योंकि वार्डन को पहले से इतला थी। कौन? जी खरिश्ता, मैं हादी बात कर रहा हूँ।
अगर ये आपका नंबर तो नहीं है, किसी और के नंबर से फोन कर रहे हैं क्या? नहीं, वो एक्चुअली मेरे नंबर चेंज किया है, आप ये नंबर सेव कर लें। दिले मगरूर का अब हम सफर कोई।